नई दिशा देने का। सर, आज जनपद महाराजगंज में विशाल बौद्ध महासम्मेलन आयोजित कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आप लोग आज जनपद आजमगढ़ से चल करके आए हैं और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं। और इस कड़ाकी धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, और इस पर आप धम्म संदेश क्या देंगे? क्या नाम है आपका सर? और कम से कम आपकी 70-80 उम्र होगी। मैं हरंगी राम, मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ से आकर के पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बौद्ध धम्म सम्मेलन में। बाबा साहब राजनैतिक क्षेत्र में तो बराबरी का दर्जा मिला था, परंतु हमारे सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में कोई बराबरी का दर्जा, कोई हक अधिकार किसी को नहीं मिला। ये जो बौद्ध धम्म है, ये सबको समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का और मानवतावादी का नारा देता है। सबको बराबरी का दर्जा मिलता है। इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में बराबरी के दर्जे के लिए तमाम अभी हॉस्पिटल, स्कूल और अन्य कई प्रकार के योजनाएं हैं, लेकिन अभी इसमें जब तक हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जानकारी नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम लोग एक दूसरे का मतलब सहयोग भी नहीं कर सकते। जब ज्ञान प्राप्त होगा, धम्म ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आदमी को सही सत्य की जानकारी होती है, तो जहाँ मानवता का एक दूसरे से ऊंच नीच का जिस समाज में भेदभाव होगा, कैसे समाज आगे बढ़ेगा। तो हम इस धम्म सम्मेलन के माध्यम से सबको ज्ञान प्राप्त होता है और सभी को ज्ञान प्राप्त हो करके और भाईचारे का व्यवहार मतलब निभाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से जो भाईचारा है हमारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, जो हमको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बौद्ध धम्म ही एक ऐसा है जिसमें सबको समान अधिकार और समान ज्ञान मतलब सबको मिलता है, और इसमें सबको समान शिक्षा, समान अधिकार इस धम्म में मिलता है। और हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं कि कम से कम आप यहाँ पर आकर के धम्म सम्मेलन में। सर, हम आपसे भी इसी कड़ी में जानकारी लेना चाहते हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शंकर बौद्ध है और मैं आजमगढ़ जिले के रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति ख्वाजा कल्याण छतवारा मोड़ आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ, जहाँ बाबा साहब का प्रतिमा अंबेडकर चौक घोषणा हो गया। आज चौक ही एक बहुत मशहूर चीज़ है, वहाँ के मैं रहने वाला, मैं अम्बेडकरवादी जरूर हूँ, मैं बुद्धिजन से भी हूँ, मैं धर्म को भी चलाता हूँ, धर्म के बारे में पूरी विचार, क्योंकि मानो मानो एक सम्मान नारा भी लगता है और कुछ अपने समाज के लोग नारा लगाते कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल के करेंगे पूरा। ये अधूरा कर देते हैं, पूरा कहा करते हैं, ये जो कहते कुछ है करते कुछ है, मगर हमारे बुद्धिजीवी लोग जो है, जो आगे बढ़ के चौंक चुके हैं, वो धर्म को जैसे बाबा साहब ने कहे कि नया बाँस लगाना ज़रूरी है, तम्बू का बाँस सड़ चुका है, एक मैं नया जैसे मैंने कारवा, इस कारवा को मेरी बड़ी मुसीबतों के साथ मैंने यहाँ तक लाया हूँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि एक नया बाँस खड़ा कर देना, ताकि तम्बू का बाँस सड़ चुका है और तम्बू गिरने न पावे। तो हमारे ऐसे ऐसे विद्वान हमारे पहुँच चुके हैं समाज में। संविधान को बचाने वाली बात तो अलग है, उस पर क्या होगा वो तो तूफान चलेगा, मगर हमें तम्बू गिरने नहीं देंगे। हमारे ऐसे ऐसे नौजवान हमारे छाया बन के खड़े हैं, तम्बू कभी नहीं गिरेगा, संविधान हमारा बरकरार रहेगा, हम भी बरकरार रहेंगे। ऐसे तमाम राजनीतिक नेता लोग आएंगे और तमाम समाप्त हो जाएंगे, सफा हो जाएंगे, दफा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।